औद्योगिक क्षेत्र के थाना सागर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में डकैती की योजना बनाते पुलिस ने 6 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार सहित मिर्च पाउडर भी जब्त किया है। पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने कहा है कि सागर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग एसआईपी कंपनी की दीवार के पीछे डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 12 बोर के देसी कट्टे, वजिंदा कारतूस, चाकू, मिर्च पाउडर सहित अन्य हथियार जब्त किए हैं। डकैती की योजना बना रही आरोपियों में से मुकेश भील नामक व्यक्ति थाना सागर में सनसनीखेज अपराधों में पिछले 4 वर्ष से फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कल की जो इसके पहले वाली रात्रि थी, उसको सूचना मिली थाना प्रभारी को कि जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ पर 5-6 लोग बैठ के डकैती डालने की और कंपनियों में चोरी करने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर फिर इसमें टीम बना के भेजी गई, दबिश दी गई, तो उनमें से कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए और उनसे डकैती डालने का पूरा सामान और एक के पास से 1 12 बोर का कट्टा भी बरामद हुआ है। और इसके अतिरिक्त जब इनके आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की गई तो इनमें 3 आरोपी जो हैं पुराने बदमाश हैं, जो पहले से ही 173-8 के लूट और बलात्कार के अपराध में फरार चल रहा था। और इसके 2 स्थायी वारंट भी हैं, 10,000 का इनाम भी था इस पर। और उसके साथ दूसरा और साथी था जो मैटू, उस पर भी 2 स्थायी वारंट थे। तीसरे साथी का 1 गिरफ्तारी, 1 स्थायी वारंट था। इस तरह टोटल 6 स्थायी वारंटी इनमें शामिल थे। ये सर लगभग मतलब अमूमन आदतन अपराधी थे? हाँ, ये मतलब आदतन अपराधी, इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पिछले काफ़ी समय से पुलिस इनको तलाश भी कर रही थी। बहुत सारे अपराधों में ये वांटेड थे। वो इसमें जो एक व्यक्ति पकड़ाया गया है वो अपने कमरे पे रखकर इनको शरण दिया हुआ था और उसके खुद के भी स्थायी वारंट थे। जब उसकी सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई तो दबिश डाल के फिर सभी को गिरफ्तार किया गया।